इसलिए दावेदारी हम नहीं करते, दावेदारी चिराग कर रहे, उनको करने दीजिए। होगा वही जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, होगा वही जो जेपी नड्डा जी चाहेंगे, होगा वही जो अमित शाह जी, हम लोग को इतना पता है 40 के 40 सीटों पर एनडीए पे जहां जहां से लड़ेंगे हम लोग उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। लालू जी का परिवार कोई फ्रीडम फाइटर फैमिली तो है नहीं, ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि चारा घोटाले में भी वो जेल गए हैं और दोबारा भी लैंडफॉर जॉब मामले में जो बहुत ही घिनौनी हरकत उनके पूरा परिवार मिलकर किया और जिसमें हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम भी शामिल है, तो ये 6 करोड़ 2 लाख का जो अभी जो याचिका जो भी उनके वहाँ से मिला है ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। हम लोग सब मिलके 14 करोड़ बिहार वासियों के तरफ से या फिर आधी आबादी के तरफ से, अगर आप बोलिएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से देवजानी मित्रा जी राष्ट्रपति शासन का मांग करती है। लैंडफॉर जॉब मामले में जिस तरह से लालू परिवार के ऊपर ईडी की कार्यवाही चल रही है उस चीज़ों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, तो क्या कुछ इस मामले में हो रहा है ये बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लालू जी का परिवार कोई फ्रीडम फाइटर फैमिली तो है नहीं, ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि चारा घोटाले में भी वो जेल गए हैं और दोबारा भी लैंडफॉर जॉब मामले में जो बहुत ही घिनौनी हरकत उनके पूरा परिवार मिलकर किया और जिसमें हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम भी शामिल है, तो ये 6 करोड़ 2 लाख का जो जो याचिका जो भी उनके वहाँ से मिला है ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, ये लालू परिवार के लिए छीकने के बराबर है। अभी आप देखिए आगे और कितना निकलता है, और सिर्फ 6 करोड़ की बात नहीं है, बात है कि भाई फाइनली चीज़ें सामने आ रही हैं और विपक्षी एकता कितना भी चिल्ला चिल्ला के इंडिया नाम दे दे, यूपीए से इंडिया कर ले, वो भक्ति वो शक्ति वो भाव वो सद्भाव कहाँ से लाएंगे। एक हमारे जैसे क्या कहते हैं ऑनरेबल ये आपका पीएम जैसे हमेशा कहते हैं कि भाई पैकेजिंग में ही गड़बड़ है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, बेच कुछ और रहे हैं और नाम दे दे मेड इन इंडिया। तो भाई इस मेड इन इंडिया के सबसे बड़ा जो चीज़ जो शुरुआत जो हुई है ईडी के द्वारा वो आपके लालू जी से ही होना तो एकदम बिल्कुल सही हुई है। अभी देखिए और आगे कितनों का कैसे कैसे पोल खुलते जाएगा। तो जिस तरीके से हमारा ये भी सवाल है कि जिस तरीके से जो बिहार में लाइक लोग कहते हैं कि जंगल राज आ गया, लेकिन दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, हर चीज़ हो रही है, मतलब आप ले लो ना भी कटिहार का मामला ही ले लेते कि कटिहार में जिस तरह से पुलिस द्वारा जो प्रदर्शन जो किया जा रहा था, पुलिस द्वारा गोली चलाया गया, उसमें 2-3 लोग मारे भी गए, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ऑनेस्टली बताएं बिहार में 38 जिलों में आपने एक जिले से आज आपने न्यूज़ सुना, तुरंत आपको एक सनसनीखेज और एक न्यूज़ आपको मिल जाएगा कहीं और स्टेट से। आपने कटिहार बोल रहे, कटिहार के बाद आपका फिर शिवान में जो आपके मौलाना ने जो एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ गंदी हरकत की, फिर आपका बेगूसराय मामला ले लीजिए, फिर आपका कल जो आपके 2 लोगों को जो आपका हत्या कर दिया गया गोली मार के, आज आपका जो कुर्जी में जो आपकी गोलीबारी हुई, तो भैया ये देखते देखते पूरा बिहार जो है पूरे बिहार धीरे धीरे एक ऐसे क्या कहते हैं आपके डार्क साइड में हम लोग चले जा रहे हैं जिसको एक्चुअली कहते हैं आरजेडी रोजाना जंगल राज का डर, और वो शायद हम लोग सोच भी नहीं पा रहे कि इतना बड़ा हो रहा है। कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही है तो आप लोग न्यूज़ में चला रहे हैं, सोचिए जो न्यूज़ में सामने नहीं आ रहे उसका आप क्या बात करेंगे। तो ये चीज़ हमारे ऑनरेबल सीएम को ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ यूपीए को इंडिया बना के डायरेक्टली मोदी जी से आपने जो अभी एक मुहिम छेड़ लिया कि आपको ये करना है वो, भैया पहले आप बिहार के बारे में सोचो, बिहार के देखो। इसीलिए इस स्थिति में हम लोग सब मिलकर 14 करोड़ बिहार वासियों के तरफ से या फिर आधी आबादी के तरफ से, अगर आप बोलिएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तरफ से देवजानी मित्रा जी राष्ट्रपति शासन का मांग करती है, नहीं तो पता चला हर घर में बच्चे बंदूक उठा के एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। तो आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो हमारा ये भी सवाल रहेगा, इससे रिलेटेड भी हमारा सवाल रहेगा कि अभी क्या कुछ हो रहा है चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के? कुछ नहीं हो रहा। देखिए चिराग जी भी एनडीए में आए हैं, उनका स्वागत है, वो भी अपना काम करके दिखाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 38 दल जो बीजेपी के पार्ट है उनका सोच एक होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जबकि यहाँ पे वो बार बार एक दावेदारी कर रहे हैं जो बिल्कुल भी उसको उनको शोभा नहीं देता, जबकि उनको चाहिए अभी बिहार में रह के इस परिस्थिति में, बिहार की स्थिति जब इतनी ख़राब है तब उनको यहाँ पे रह के लोगों का साथ देना, लोगों का दुख दर्द में मतलब जाना और सिर्फ जाके गले मिलना नहीं, उनको कुछ मदद भी करना, उनसे यही उम्मीद है। एज अ युवा नेता अगर वो अपने आप को नेता दिखाना चाहते हैं तो, वैसे तो वो मेरी नज़र में या फिर ज़्यादातर लोगों की नज़र में वो फ्लॉप अभिनेता है, कहीं वो फ्लॉप नेता ना बन जाए, सिर्फ आके जनाधार लेके और मीडियाबाजी करके फिर से वो दिल्ली वापस चले जाते, इससे सॉल्व। अगर उनके जैसे युवा नेता अगर भाषणबाजी दे के अगर वापस चले जाते हैं तो सोचिए बिहार के उन युवाओं का क्या हाल होगा जो चाहते हैं बिहार में कुछ आके करना लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि उनको ऐसा कोई आइकॉन देखने को मिलता नहीं है।
तो जिस तरीके से अभी पता होगा कि दिल्ली में जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन वहाँ पे लगातार जो मणिपुर की घटना को उछाला जा रहा है और लगातार जो विपक्ष की तरफ से जो किए जा रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार को लेकर के निशाना साधा जा रहा है, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए ऑनेस्टली बताएं, मणिपुर का जो मुद्दा, इसको पॉलिटिकल मुद्दा से कहीं ऊपर की चीज़ है, ये हम सबके लिए राष्ट्रीय शेम है। वहाँ पे जो हुआ वो मेरी इज्जत, आपकी इज्जत, हम सब औरतों की, महिलाओं की और लड़कियों की इज्जत गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर बार मोदी जी को या मोदी जी के आड़ में कब तक आप गंदे काम करते रहेंगे और कब तक इसको मुद्दा बना के फिर आप लोग भूल जाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली बीइंग अ वुमन, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ये उम्मीद है कि मोदी जी प्रधान सेवक है, वो देश विदेश हर जगह जाके हमारे भारत का प्रचार एक अलग लेवल पे करते हैं, लेकिन उन्होंने जिनको जो डिपार्टमेंट दिया है, अगर वो उनके क्या कहते हैं ठीक ढंग से अगर अपना काम कर ले तो शायद लोग बार बार मोदी जी को टारगेट करेंगे या फिर मोदी जी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्मृति ईरानी जी को बोलना चाहूँगी, मैडम आप इतने बड़े क्या कहते पोस्ट पे हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मुझे ये उम्मीद थी या है भी अभी भी कि आप कम से कम मणिपुर ज़रूर जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपके जाने से, उन परिवारों से मिलने से, स्पेशली उन औरतों के साथ मिलने से जिनके साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है, उनको अगर आप गले मिला लेंगे तो शायद उनके दग दुख जो है वो कुछ प्रतिशत कम हो जाएगा, क्योंकि शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर वो हादसा भगवान ना करे कभी बिहार में या बंगाल में कभी यहीं पे इस ढंग से घटनाएं करे। लेकिन एक बात ये भी है कि मणिपुर की घटना ले लीजिए या पश्चिम बंगाल की या फिर निर्भया कांड या फिर हाथरस कांड, हर बार हर एक चीज़ में औरतों को ही टारगेट क्यों किया, हर बार महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि हमारा शारीरिक गठन अलग है। मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे, मेरा यही रिक्वेस्ट हमारे ऑनरेबल पीएम से भी है कि कुछ ऐसा कानून बनाइए, कुछ ऐसा व्यवस्था बनाइए कि औरतों को छेड़ने से जैसे मूवी में दिखाया जाता है हाथ काट दिया जाता है, गला काट दिया जाता है, ऐसा कुछ सख्त कानून लाइए ताकि नाबालिग बच्ची से लेकर बूढ़ी 60 साल की औरत या 70 साल की महिला के साथ भी ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हो। तो क्या लगता है आपको बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? कहीं नहीं सुरक्षित है। अगर बिहार में सुरक्षित होती तो बताइए ना 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा हरकत क्यों होता बेगूसराय में? आप बताइए ना, स्कूल में जो आपके मदरसा के जो मौलाना है वो एक नाबालिग बच्ची को गोदी में बैठा कर गलत गलत काम क्यों करता? कहीं पे भी सुरक्षित है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एडुकेशन का अभाव है। हम लोग को बचपन में गुड टच बैड टच बताया गया कि कौन सा, आपको आग देख के आप पढ़ लेते हैं कि भाई कौन गलत है कौन सही, तो इन सारी शिक्षाओं की कमी है। जैसे शराबबंदी आपने बोल तो दिया, लेकिन शराबबंदी में क्या क्या नहीं करना चाहिए वो शिक्षा आपने नहीं दी। तो कहीं ना कहीं एडुकेशन सिस्टम फेल होने की वजह से सोच फेल है, सोच फेल होने की वजह से हर चीज़ में बिहार जो है पिछड़ा से अति पिछड़ा बनते जा रहा है, सोच से, काम से, इकोनॉमी के लिए, एडुकेशन। तो कब तक ये दुष्कर्म, कब तक ये सारी चीज़ें हम लोग 21वीं सदी में बैठ के देखते रहेंगे? कभी ना कभी इसके लिए आंदोलन करना ही पड़ेगा। और इस बार हम सब ने ठान लिया है, 14 करोड़ बिहारवासियों ने ठान लिया है, महागठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, डाउन डाउन विद महागठबंधन की सरकार, इन पूरे गुट को बांध के बिहार के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से बिहार अति पिछड़ा हो रहा है, तो क्या लगता है कि बिहार में जो नीतीश कुमार है वो भी पिछड़ जाएंगे? ऑनेस्टली बताएं, नीतीश कुमार जी का मुझे नहीं लगता 2024-25 में वो दोबारा सीएम बन के आएंगे। डेफिनेटली वो अपना लास्ट हथकंडा ज़रूर अपनाएंगे ताकि उनको कहीं से भी कुछ मिले, लेकिन बीइंग अ सीएम अगेन, और कुछ चीज़ों पे मुझे शक है। फिलहाल तो वो पीएम का सपना देखते देखते बिहार का इतना उन्होंने नुकसान कर दिया, बिहारवासी, बिहार के महिलाएँ, बिहार के बच्चे, बिहार के पुरुष, बिहार के जितने भी आपके वरिष्ठ यहाँ पे आपके क्या कहते हैं लोग हैं, कोई उन्हें माफ़ तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में जो दूसरी बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक माने वो पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुई, अब तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होने वाली, तो अभी तक संयोजक नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाएगा? संयोजक अगर नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, सोचिए जो बिहार का भला नहीं कर पाए वो देश का भला क्या करेंगे, वो भारत का भला क्या करेंगे? और उनके गुट में जितने लोग हैं सबके ऊपर यही सवाल है, चाहे आप ममता बनर्जी ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी ले लीजिए, चाहे आप केजरीवाल ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव ले लीजिए, चाहे आप ठाकरे जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा के आप देख लीजिए, इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये लोग हमेशा से एक दूसरे को गाली देते हुए अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़े। जो एक समय जब आप उनको आपने गाली दिया तो ऐसी क्या मजबूरी आप पर जो एक साथ हुए, तो मजबूरी एक ही है अच्छाई को उखाड़ फेंकने का, उनका जो एक मुहिम है। तो कितना भी बड़ा नारायणी सेना वो बना ले, कृष्ण के खिलाफ नारायणी सेना अर्जुन के साथ अगर कृष्ण है तो नारायणी सेना भी किसी काम का नहीं है, आप जान के रखिए।
तो हमारा ये भी सवाल है कि आप लोग कितने सीटें की मांग कर रहे हैं और चिराग पासवान की तरफ से कितनी सीट की मांग की जा रही है। देखिए चिराग पासवान के तो मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, जब मैं थी तभी भी मुझे चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी, तो अपने बहू में आप तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात करूँ तो हमारी कोई दावेदारी नहीं है। हम लोग अलायंस हैं, थे और हमेशा से रहेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पीएम के नेतृत्व में 40 सीटों में जहाँ जहाँ से एनडीए लड़ेंगे वहाँ वहाँ से हम लोग हमेशा नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विश्वास और सबका ये के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनको 6 सीटें चाहिए, तो चाहिए तो ले ले भाई। अगर उनको 6 सीटें चाहिए तो उपेंद्र जी, मुकेश सहनी जी बाद में आ ही जाएंगे, माझी जी, ये लोग क्या करेंगे? अगर उनको 6 सीट चाहिए तो हमें 10 सीट चाहिए, ये कोई बात हुआ? आप होते कौन है सीट को डिमांड करने वाली? और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, डिमांड वही करता है जिनके पास कोई आधार नहीं होता है। जनाधार 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 बोल के अगर अभी तक आपने अपना आधार या अभी तक आपने अपना रूट मैप अपना रूट मैप तय नहीं किया, रोड मैप आपने तय नहीं किया, तो ये गलती आपकी हमारी नहीं है। तो इसलिए दावेदारी हम नहीं करते, दावेदारी चिराग कर रहे, उनको करने दीजिए। होगा वही जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, होगा वही जो जेपी नड्डा जी चाहेंगे, होगा वही जो अमित शाह जी, हम लोग को इतना पता है 40 के 40 सीटों पर एनडीए पे जहां जहां से लड़ेंगे हम लोग उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। तो चिराग पासवान 6 सीटें की मांग कर रहे हैं और इसी बीच मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि जितनी चिराग पासवान को सीटें चाहिए मिल रही है उतनी मुझे भी मिलनी चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि अगर वो 6 ले लेंगे तो भाई कोई किसी से कम थोड़ी है। मुकेश सहनी जी तो फिर भी चिराग जी से ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा समय तक बिहार में भीतर घूम रहे हैं, वो बिहार में रह के राजनीति कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल एक टाइम पे उन्होंने भी मूवी वगैरह में काम किया था सहनी जी, लेकिन आज वो पूरे तरीके से नेता बन चुके और वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चिराग जी की अगर मैं बात करूँ भाई, वो फ्लॉप एक्टर है ना, वो अच्छे एक भतीजे बन पाए ना वो भाई बन पाए, तो एक अच्छा लीडर कैसे बनेंगे? पहले उनको अच्छा इंसान बनने बोलिए, तब जाके सीटों की दावेदारी करेंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की देवजानी मित्तल जी थी, जिनसे हमने सारे मुद्दों पर बात की। हम आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह गोलीकांड हो रहा है, दिन दहाड़े गोलीकांड की हत्या हो रही है, गोली चल रही है, फिर कटिहार मामले पर भी हमने बातचीत की कि जिस तरह से कटिहार में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है और वहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, हमने उस पर भी बात की। और क्या कुछ चिराग पासवान जो सीट की मांग कर रहे हैं तो उस पर भी देवजानी मित्तल ने काफ़ी कुछ कहा है। बहरहाल आप देख रहे आईवीटीवी, कैमरामैन सोनू के साथ मैं निशा, धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।